हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कल मैं एक सोलो राइड पे गया हुआ था, सो मैंने व्लॉग भी शूट कर रखा है। सो चेक इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। भाई मौसम ने तो मौज कर दी गाइस। यहाँ से नीचे वाटरफॉल वाला मस्त है, पानी की आवाज काफी सही आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का। पहले मैं सोच रहा था दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, फिर मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए। पानी की आवाज सुनो कितनी सही आ रही है। आई होप कि आपको पानी की आवाज आ रही होगी। देखो सुनो, आई झरने की आवाज है, काफी सही झरना है। देख लेते हैं, पानी मेरे ख्याल से अच्छा खासा बह रहा है, तभी जोर की आवाज है। नीचे जाके देख लेते हैं। ये झरना जस्ट रोड के पास ही है, वो रही रोड। वो देखो चचा जाते हुए आपको दिख रहे होंगे एक। मस्त जोक मारा रे। वो ऊपर रोड है और उसके वहीं पर ये झरने का रास्ता है। अब वहां तक पहुंचा कैसे जाए यार, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा काई काई हो रही है, पत्थर में भी काई हो रही है। तो कोशिश करते हैं धीरे धीरे, क्या होता है हम पहुंच जाए वहां। इस पे पैर रखा जाए, इस पे रखा जाए, तो उधर भी इस पे रखा जाए। मैं एक बार इस वाटरफॉल पे एक बार और आ चुका हूँ। उस टाइम पे भी मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन उसमें से कुछ जो मेन मेन वीडियोस थी, मेन फुटेज थी, वो डिलीट हो गई थी। तो फिर मैंने वो व्लॉग डाला नहीं था, तो सोचा इस वजह से ही मैं आपको यहाँ लेकर आऊँ, ताकि आप ये वाला झरना जरूर देख सकें। यार ऐसे तो नहीं जाया जाएगा, जूते खोलने ही पड़ेंगे यार, क्योंकि पानी वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा है और पत्थरों के अंदर है, तो इस पत्थर उस पानी के अंदर है, तो इस वजह से वहाँ तक पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। फाइनली संघर्ष के बाद पहुंच चुके हैं यहाँ पे। वो भाई भाई बस इस साले इस बड़े पत्थर तक जाना है भाई। यहाँ से देखो फाइनली अपने ऑब्स्टेकल से पार करके इधर से पानी से वहां पे जूते खोल दिए वो रखे हैं, और इसको पार करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हवा काफी सही आ रही है, ठंडा ठंडा, बहुत बढ़िया हवा आ रही है। एसी तेल है इसके सामने। बड़े से वाटरफॉल के साथ एक छोटा सा छुट्टू सा मिनी सा वाटरफॉल है। पत्थर पे मैंने एक फोटो क्लिक करवाई थी इसी झरने के साथ, तो जिसने देखने वो इंस्टाग्राम पे मैंने डाल रखी है, वो लोग आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जब मैं यहाँ पहली बार आया था ना, तो उस टाइम पे ये वाटरफॉल का पानी का फ्लो बहुत कम था, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा फ्लो है। अब फटाफट टाइम है, कहीं और जाना है, क्योंकि मैंने किसी काम से जाना है, तो और भी लोकेशन में आपको दिखाऊंगा फटाफट। फिलहाल तो इस लोकेशन को करते हैं बाय, और मैं आपको यहाँ के आसपास का एरिया भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। ये तो आपका वाटरफॉल रहा, और यहाँ से पानी बह के यहाँ नीचे से निकल जाता है। ये ब्रिज है पुल टाइप का, इसके ऊपर रोड है। तो फिलहाल चल रहे हैं और एरिया में वाटरफॉल बाय। अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, और अगर आपको वाटरफॉल अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये शर्ट कैसे बदल लिया। नहीं ये शर्ट मैं रख के लाया था, क्योंकि मैं टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उस वजह से हवा लगती है, तो इसलिए मैं रख के लाया था। पहना नहीं था क्योंकि नीचे हल्द्वानी साइड तो गर्म हो रहा था, और इधर पे लग रही है ठंड, तो अब हवा भी लगने लग जाएगी, और पहाड़ों का मौसम तो आपको पता ही है नहीं, एकदम से कैसा चेंज होता है और हवा भी लगती है। ये वाला वाटरफॉल आपका हल्द्वानी से नैनीताल जाते टाइम बीच रास्ते में पड़ता है, दो गाँव से ऊपर में पड़ता है ये, और ये रास्ते से कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो ये वाटरफॉल है जो अभी मैंने आपको दिखाया, अपना तो नहीं पता चला, लेकिन भाई पानी से पूरा बैग नीचे से भीग चुका है। जो पीछे से बूंदे गिर रही थी ना, उस वजह से बैग नीचे से थोड़ा गीला हो गया, और पीछे आगे फ्रंट साइड से भी हो चुका है। एक बार जरा आप यहाँ से मौसम देख लो भाई, क्या मौसम हो रहा है यार, बढ़िया जबरदस्त। ऊपर बादल लगे हुए, और नीचे देखो कितना सही है, उस साइड तो धूप आ रही है। ये देखो आंटी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई, घास ला रहे हैं। देखो इस
ब्रिज के नीचे से शायद काफी पानी बह रहा, आवाज भी आ रही है, बस देखते हैं नीचे। और ये ब्रिज कुछ ऐसा है, अभी दिखाता हूँ, आगे से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये है ब्रिज पूरा, ये वो रही अपनी गाड़ी खड़ी है। और अभी यहाँ का मौसम कुछ ऐसा, और मौसम का अंदाजा देख के तो लगा ही लोगे आप कि कितना ठंडा हो रहा होगा यहाँ। यहाँ से आ रही है पानी की आवाज। अच्छा ये बह रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा फ्लो आपको। चलो चलते हैं हम यहाँ से यार, अभी तो बहुत सफर तय करना है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। गाइस छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी है लेकिन वाटर क्रॉसिंग। भाई ये तो पूरा खाली हो गया यार, ये तो पूरा खाली हो चुका है, मुझे पूरा, ये तो सूखा ताल हो गया, सरिया ताल नहीं रहा, ये सूखा ताल हो गया। देखो आई होप कि आपको दिख रहा होगा थोड़ा। भाई ये देखो, ये पूरा फॉग हो रहा है, पूरा ये पानी आ रहा है और ये पूरा फॉग हो रहा है देखो, और ये पूरा सूख चुका है यहाँ, इतना ही पानी है ये। बरसात में भी ये हाल है यार, कैसे चलेगा ऐसे। आई थिंक इन्होंने नीचे से खोल दिया है, उस वजह से सारा पानी आई थिंक नीचे बह जा रहा है और इसमें रुक नहीं रहा है, इसमें तो कुछ रखा है नहीं, फटाफट अब कहीं और की तरफ चलते हैं। तो पूरा सूखा है, कोहरा भी बहुत हो रहा है, बारिश के छींटे पड़ने लग गए हैं। भाई वेदर देखो क्या ऑसम हो रहा है यार। खुरपा ताल भी जस्ट इसी एरिया में ही है, तो मैंने सोचा अगर आपको इतने ताल दिखाई दिया तो एक खुरपा ताल का भी ताल दिखा दिया जाए, क्योंकि कोहरा तो हो रहा है, शायद उस ताल में भी ऐसा ही कोहरा हो रहा होगा, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं जैसा भी सीन रहेगा। लेकिन आपको मैं खुरपा ताल भी दिखाई देता हूँ। जैसे ही भाई वहां से थोड़ी नीचे वो निकला यार, बारिश स्टार्ट हो गई थी तेज, मतलब ज्यादा तेज पड़ने लग गई थी, तो इसलिए मैं खुरपा ताल की तरफ गया नहीं। सही है, कुछ और चीजें कभी और के लिए छोड़ देते हैं, कभी और आएंगे तो खुरपा ताल भी विजिट करके जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। और भाई फिलहाल तो इस रोड में ऐसा लग रहा है कि मैं ही राजा हूँ यार, यहाँ तो कोई है ही नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और भाई इस वाले ब्रिज से यहाँ का व्यू भी काफी सही है यार, ये देखो इस वाले एरिया को दिखाता हूँ मैं आप, ये देखो। तो खाली साउंड सुनो आप इसकी, पानी के फ्लो की। नीचे जाने के लिए शायद यहाँ से रास्ता है, देखिए एक बार। अबे है ही नहीं यार, ये तो डेंजर जोन में आता है आई थिंक। ये देखो ये थोड़ी सी देर में गिर भी सकता है, बस पानी का फ्लो देख लो आप और आवाज सुनो। नीचे उतरने के लिए रास्ता ही नहीं है यार, मैं वापस चल। गाइस पहले ये ब्रिज देखो, और पानी की आवाज तो सुन ली होगी, जाते पानी के पास, लेकिन अब जगह ही नहीं है वहां जाने के लिए, तो क्या करें, चल देते हैं वापस कहीं और की तरफ। भाई यहाँ से है रास्ता, हम उधर से जा रहे थे, यहाँ से है रास्ता, ये देखो दिख रहा है आपको, धीरे धीरे चलते हैं। चलो गाइज यार सोलो राइड का तो अपना ही मजा है यार, और मौसम ऊपर से ऐसा मिल जाए तो और ज्यादा मजा। अभी ऊपर से दिखा रहा था, अब यहाँ से देखो ना, यहाँ से आएगा मजा पानी के फ्लो का। भाई कितना सही लग रहा है ना, पूरा ऊपर से फॉग और ऐसे पानी बह के आ रहा है, क्या सही लग रहा है। चलो हो गया, यहाँ के भी नजारे ले लिए, अब चलते हैं फटाफट आगे की तरफ। अबे यार ये पानी की बर्बाद कर रहा है। शहर हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, अपना नाम बताओ। मेरा नाम ओम है। कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स से? मैं कहना चाहता हूँ कि आप मृणाल झा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और इनके जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर में मदद करें। ओह धन्यवाद धन्यवाद, बस आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भाई आप लोगों ने सुन लिया तो जल्दी जल्दी से ओम की ख्वाहिश को पूरा करो। और हो गया, चलो फिर आप चलते हैं घर की तरफ। सो गाइस फाइनली घर पहुंच चुका है, यहाँ के तो भाई बहुत गर्मी लग रही है यार, वहाँ तो इतना ठंडा मौसम होता है और यहाँ इतना गर्म हो रहा है। और सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये थम्स अप, और हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस, तब तक के लिए बाय।